नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कैथल में दावा लक्ष्मी मूवी का पूरा शो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव और सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कैथल वासियों के लिए बुक करवाया। मूवी के निर्देशक और कलाकार यशपाल शर्मा अपनी टीम के साथ कैथल पहुंचे। रणदीप सिंह सुरजेवाला के छोटे भाई सुदीप सुरजेवाला ने कांग्रेस के साथियों समेत यशपाल शर्मा का शॉल भेंट कर स्वागत किया और ब्राह्मण समाज के साथियों ने यशपाल शर्मा को भगवान परशुराम की प्रतिमा भेंट की। गांव से मूवी देखने आए बुजुर्गों ने पगड़ी बांधकर उनका स्वागत किया। कलाकार यशपाल शर्मा ने रणदीप सिंह सुरजेवाला और सुदीप सुरजेवाला का धन्यवाद करते हुए कहा कि सुरजेवाला की इस पहल पर हम उनके शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हरियाणवी संस्कृति और पंडित दादा लक्ष्मी चंद के जीवन को लोगों तक पहुंचाने में इस तरह का प्रयास किया। कैथल वासियों का आभार जो इस मूवी को बहुत प्यार दे रहे हैं। राजौंदी से हमारे संवाददाता नरेश पुहाल की रिपोर्ट। रणदीप सुरजेवाला जी और मुझे सुदीप सुरजेवाला जी ने यहाँ शो ऑर्गेनाइज किया है कैथल के अंदर, तो हमने इसके अंदर ना किसी पार्टी का, ना किसी धर्म का, ना किसी जाति का सोच करके जो फिल्म बनाई थी, आज बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। और हमने इस बात से बहुत खुशी है कि पूरा हरियाणा है और बहुत लोग धीरे धीरे जा रहे हैं और अभी पंचायत चुनाव और बढ़ रहा है। मेरी बस यही दुआएं हैं, सबसे एक गुजारिश है पूरे हरियाणा से कि मीन में एक बात में काट दियो, एक बार फिल्म जरूर देख लियो। अगर आपने सलमान खान की, शाहरुख खान की फिल्म से ज्यादा स्वाद लिया है तो इससे दादा लक्ष्मी मानते हैं लोग। काम में दम होगा तो दुनिया देखेगी और जरूर देखेगी, क्योंकि काम में कमी नहीं है, नियत में कमी नहीं है, इसमें कमी नहीं है और हर चीज जो है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से संगीत में दिखा रखी है। हरियाणा की संस्कृति को दर्शाया गया और बहुत लोग साथ दे रहे हैं। कभी हर्ष चिकारा है, कभी केजी भाई हैं, कभी अजय हुड्डा है, सारे कलाकार भी साथ आ रहे हैं। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।